नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। पाकिस्तान और भारत के बीच की अदावत आज की नहीं है, बल्कि उसी समय की है जब भारत से अलग होकर पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। जंग की जड़ें हिंदुओं और मुसलमानों को लेकर थी, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम बहुल देश था और हिंदुस्तान हिंदू बहुल देश। इसके अलावा भी दोनों देशों के बीच में हमेशा से ही सीमा विवाद, कश्मीर विवाद, जल विवाद और आतंकवाद का विवाद तो रहा ही है। अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच कब कब युद्ध हुए और युद्ध के बाद का असर क्या हुआ। पहला युद्ध 1947-48 के बीच। इस युद्ध की वजह कश्मीर से जुड़ा सीमा विवाद था। दरअसल जब भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना तो मुस्लिम बहुल कश्मीर के हिंदू शासक महाराजा हरि सिंह ने स्वतंत्र कश्मीर राज्य का सपना देखा था, लेकिन इसी दौरान कश्मीर के पश्चिमी हिस्से में रह रहे मुसलमानों की हत्या कर दी गई, जिससे राज्य में विभाजन के लिए दंगे भड़के और राज्य की जनता ने हरि सिंह के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया, जिसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने कश्मीर में ट्राइबल सेनाओं को भेजना शुरू कर दिया, जिससे चिंतित राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और इसी दौरान भारत ने हरि सिंह से कश्मीर के भारत में विलय होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा लिए। हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए और उस वक्त तत्कालीन कश्मीर के नेता शेख अब्दुल्ला ने इसके लिए अनुमति भी दी। इसके बाद भारत ने कश्मीर में अपनी सेना भेजी और फिर ये युद्ध गतिरोध के साथ खत्म हुआ और कश्मीर को सीज फायर लाइन के तहत विभाजित किया गया। पाकिस्तान के नियंत्रण में जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है जिसे पीओके के नाम से जाना जाता है, उस हिस्से को पाकिस्तान ने अपने नियंत्रण में ले लिया। वहीं दूसरा हिस्सा भारत के पास है। ये समस्या इतनी जटिल है कि आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई का यही कारण एक बार फिर उछाल मार रहा है, क्योंकि भारत ने अपने हिस्से वाले कश्मीर को बेड़ियों से मुक्त कर दिया है और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया है। भारत पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध 1965 का। युद्ध का कारण थी वो नदियां जिनका जल बंटवारे के दौरान ठीक तरह से बट नहीं पाया था, यानी कि उस समय लगभग सभी नदियों जैसे सिंधु, चिनाब, सतलुज, ब्यास और रावी का पानी भारत से होकर गुजरता था। 1960 में नेहरू और अयूब खान के बीच सिंधु जल संधि पर सहमति बनी। इसके बाद फैसला लिया गया कि पाकिस्तान झेलम, चिनाब और सिंधु नदी के पानी का इस्तेमाल करेगा, जबकि भारत सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के पानी का इस्तेमाल कर सकता था। उसके बाद अचानक ही पाकिस्तान ने साल 1965 में गुजरात की कच्छ सीमा के पास हमला कर दिया। फिर पाकिस्तान ने एलओसी पर भी अपनी सेना को तैनात कर दिया। इसके बाद ही पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया और जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया। 17 दिनों तक चली इस जंग को जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में उठाया तो उसके बाद युद्ध शांत हुआ और ताशकंद घोषणा को जारी किया गया, जिस पर पाक के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के तत्कालीन पीएम शास्त्री ने 10 जनवरी 1966 को शांति स्थापित करने के मकसद से हस्ताक्षर किए थे। साल 1971 में हुआ तीसरा भारत पाकिस्तान युद्ध। पाकिस्तान के भारत से अलग होने के बाद बंगाल का पूर्वी हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान के तौर पर पाकिस्तान से जुड़ गया था, लेकिन पाकिस्तान की सैन्य सरकार ने अपने इस क्षेत्र पर ध्यान कभी नहीं दिया, बल्कि उन पर उर्दू भाषा को थोपने की ही कोशिश की। और उसी दौरान पूर्व बंगाल के शेख मुजीबुर रहमान ने चुनाव के दौरान 300 सीटों में से 107 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन फिर भी उन्हें पूर्वी पाकिस्तान का प्रमुख नहीं बनाया गया। पाकिस्तान के नेता जेड ए भुट्टो और राष्ट्रपति वाहिया खान ने पूर्व बंगाल को अधिकार देने से मना कर दिया। फिर इसके बाद पाकिस्तान ने कश्मीर के हवाई अड्डों पर हमला कर दिया, जिसके जवाब में भारत ने भी पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान पर हमला बोला और भारत ने पूर्वी पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया और 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश के नाम से एक नए देश की घोषणा की गई, जिसके बाद दोनों देश संघर्ष विराम के लिए सहमत हुए। 1972 में जेड ए भुट्टो पाकिस्तान के नेता बनकर उभरे तो वहीं मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति बनाए। साल 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच चौथा युद्ध। 1999 के युद्ध को करगिल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कश्मीर के करगिल जिले और नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान के सैनिकों और कश्मीरी आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की और जब तक भारत को इस बारे में पता चल पाया तब तक काफी देर हो चुकी थी और कश्मीर के उस हिस्से पर कश्मीरी आतंकवादियों और पाक सैनिकों ने कब्जा कर लिया था। इनमें से एक टाइगर हिल भी था जिसको कब्जाया गया था। अब सैनिकों को खदेड़ने के लिए भारत ने तत्काल ऑपरेशन विजय चलाया और 60 दिनों तक चले इस युद्ध के बाद भारत अपना कब्जा वापस पाने में कामयाब हुआ और पाकिस्तानियों को खदेड़ डाला और पाकिस्तान पर बड़ी विजय हासिल की।
उसके बाद अब साल 2019 में 5 अगस्त को जैसे ही केंद्र की मोदी सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया, वैसे ही पाकिस्तान युद्ध चिल्लाने लगा और साथ ही परमाणु बम की गीदड़ भभकियां देने लगा। हालांकि पाकिस्तान में इतनी ताकत नहीं है कि वो भारत के खिलाफ इतना कोई बड़ा एक्शन ले पाए, क्योंकि भारत की तुलना में पाकिस्तान हर लिहाज से बहुत बहुत पीछे है। और इसका प्रभाव ये हुआ कि पाकिस्तान युद्ध चिल्लाता रह गया और भारत ने कश्मीर के मुद्दे पर सभी देशों से अपने लिए समर्थन हासिल कर लिया। तो ऐसे देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 4 युद्ध हुए हैं। पांचवे की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान की कमजोरियों के चलते वो नहीं हुआ। नहीं तो पाकिस्तान का इस बार अन्य युद्धों से भी ज्यादा बुरा हाल होता। खैर, पाकिस्तान को समय रहते अपनी औकात समझ में आ गई, ये अच्छी बात है।